बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ फिरनी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। उसके लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है, 1/2 कप मैंने चीनी का लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं जितना मीठा खाते हैं। 4 चम्मच मैंने चावलों का आटा लिया है पिसा हुआ, और थोड़े से मैंने बादाम पिस्ते लिए हैं, और थोड़ा सा मैं क्यूरा डालूँगी, 1-2 ड्रॉप्स। यहाँ पे मैंने पतीला लिया है, इसके अंदर हम दूध डालेंगे। दूध को हमने उबाला आने देना है, और साथ में हमने ये 4 से 5 इलायचियाँ ली थी, ये डालेंगे इसके अंदर। दूध को हमारे बॉयल आ रहा है, अब मैं इसके अंदर चीनी डालूँगी। अब मैंने 1 कप दूध का लिया है, और ये जो मैंने चावलों का आटा लिया था, ये दूध मैं इसके अंदर डालूंगी। ये ठंडा दूध है, ये हमारा चावलों का आटा मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी इसको, और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएं ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। ये बहुत झटपट तैयार हो जाता है, आप ये ज़रूर बनाएं, बहुत टेस्टी बनती है। हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। फिरनी देखें हमारी गाढ़ी हो गई है, आपने साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है ताकि ये नीचे लगे ना। ये देखें, ये गाढ़ी हो गई है। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है, अब हम इसमें 2-3 कतरे केवड़े के डालेंगे, और साथ ये पिसे हुए बादाम और पिस्ते। बस ये तैयार है हमारी फिरनी, बहुत मज़े की बनी है। आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा ये कैसी बनी है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और आगे भी शेयर करें।